हेर उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मते ना छेड़े बरता। बड़ी मशहूर रागनी आपके बीच में रखी जा रही है, दादा लक्ष्मी चंद के बोल हैं इस रागनी में। दादा लक्ष्मी चंद ने बनाई है ये रागनी, और राजा सुलेभान और रानी नोना दे के बीच में सवाल जवाब हो रहे हैं। राजा क्या कहता है, रानी क्या जवाब देती है, आइए सुनेंगे। ये उठ क्यों तड़े पड़ी तेरी नार, मने मते ना छेड़ बर तार। ओ उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मते ना छेड़ बर तार। तेरे ते में बोला ना चाती, और अंधेरे गुब्बार महल में या दीवाना बत्ती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी मतलब छोटी सी बात है, और तने कुएं में पड़ने की सोच ली, मरूंगी मानेगी नहीं, मतलब परिवार का नाश करके मानेगी। नाश तो मेरा हो लिया, मच्छर जान लग रहे भीतर। हेरे मैं सब जानू हम पीरा का उल्टा हो मता, हेरे उल्टा हो मता। ईब पड़ू जा पता चढ़े तने, तने लाग जा पता। पता के खता हुई मेरी से, बदक डटी शरम तेरी ते। पता पता के खता हुई मेरी से, बदक डटी शरम तेरी तना अपने घर चली जाती। ईशा किसने के कह दिया बोल क्यों रो रो टकराती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मते ना छेड़ भर तार। तेरे ते बोला ना जाती हो, तेरे गुमार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, फूलों की रानी बहारों की मलिका। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, नाम होश में है, दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। देख रानी जी महाराज, जहाँ तक भी तेरी नजर जाती है, हाँ, ये जितने भी महल हवेली हैं, किले बावड़ी हैं, जितने भी कोठी बंगले हैं, सबकी रजिस्ट्री तेरे नाम पर करवा रखी है। रजिस्ट्री मैंने तरह किया, जब तू मरेगा ना तेरे ऊपर घेर दूंगी उसमें। तू एक बात बता, रोड़ा मेरा है पूर्ण मल का है? रोड़ा तो तेरा बुड्ढे खुसर, तू किसी काम का नहीं है। यो देले किसान राजी हो रहा है, जना मा मामा का दादी हो। मने लगा इसकी गल भी इसी बन रही है। बैठ जाओ, राग नहीं सुन लो।
कोई नहीं बैठो रागनी, देखो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ये पूरा भारती नहीं, पूरा विश्व देखता है इन रागनियों को। आपसे निवेदन है, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बाद में चाहे कान पकड़ के कुछ भी कह लो, लेकिन रागनी के बीच में मत आओ। रानी कहिए महाराज, ये जितने भी महल हवेली है इनकी तू इकलौती वारिस है। मने ना तो तेरा महल चाहिए ना तेरा राजपाट चाहिए। तो सोचा था कि महाराज की मैं काम आऊंगा, महाराज भी कोई काम का नहीं, तो मैं अच्छा, तेरा कुछ नहीं चाहिए। मतलब रोना इस बात का है। हाँ, सुन ले मेरी बात, सुना दे। हाँ? मेरी आवाज दे तो तने बुढ़ा ना लग रहा हूँ। आवाज तो जवान है, काम तो जवान के ना है। अरे वैसे मर्द कार बड़द का किमी ना बिगड़ा करे, खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ। मैंने तो तेरे से खुराक दे कर देख ली, तेरा ना काम करती खुराक। अच्छा हाँ। सुन ले, महल हवेली, महल हवेली किले पावड़ी सब तेरी ज्यादा, तेरे बोला ने घेर दई मेरी छाती के मरान, जड़े मेरी छाती के मरान, तेरे पे बात कौन प्यारा से ले यो राज महल धारा, ओ तेरे तेरे होते बात कौन प्यारा से ले यो राज महल धारा से, आड़ना मेरा कोई भी साथी। और प्रेमियों, कोई ना मेरा, जो यहाँ पर पंच और पंचायतों को जानने वाले बैठे हैं, जो ग्रस्त धर्म को पहचानने वाले यहाँ पर बैठे हैं, ये लाइन दादा ने आपके लिए लिखी है। अगर अच्छी लगे तो भाई तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। पहले सुनिए उसके बाद में। तेरे ते बात कौन प्यारा से ले यो राज महल थारा से, अड़ना मेरा कोई भी साथी। दिखे घर में जूत, घर में जूत मार ले बाहर में, मानस पंचाती उठ क्यों घर बड़ी मेरी नार, मन मत ना छेड़े भर तार तेरे से, हो बल्ला ना चलती हो तेरे कुमार, महल में दीवाना पति उठ क्यों घर बड़ी मेरी नार। और मेरी बात सुन, और सुना, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते ए खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। क्या करे, देख रानी जी महाराज, तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, विद्वान है। हाँ। तेरे को ये बात शोभा नहीं देती, छोटी छोटी बातों पर तू घर के टुकड़े कर रही है, अच्छी बात नहीं है। मेरी जितनी पढ़ाई काम आनी थी आ ली, अगर मेरी पढ़ाई काम नहीं आनी है तो नाश करेगी, मतलब नाश करूंगी नहीं, होलिया नाश थे इब तो बस खून बहना बाकी है। अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात। हाँ, हाँ। किसे बंदर से गिर गए, बंदर से गिर गए, न्यूते में भी जानो पेंडा छूटेगा मर गए, यो पेंडा छूटेगा मर गए, हरी कुछ करके बैठ समाई हरी दोन मां की न बनो लुगाई। ओए ओए, एक तो मैं हाँ। और दूसरा किसका नाम ले रही है? एक तेरा छोरा देख के जटा लग लग रहा इसने, पूर्णमल। हाँ। अरे नालायक नागन बेशरम, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू मेरे बेटे जटी पूर्णमल पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, उस भगवान की दरगाह में तुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। तू इसने जटी कब है,
एक पे पूछते ले इसने जड़ा क्यों लाग लिया फिर मैं इस पूर्णमल की ना कह रहे तो कलयुग का पूर्णमल है मैं मेरे बेटे पूर्णमल की कह रहा हूँ जो जति है बिल्कुल वो इब साधु नहीं है वो सवादु ओलिया है सुन ले अरे कुछ करके बैठ समाई थारी तो ने माँ की ना बनू लुगाई अरे अरे कुछ करके बैठ समाई थारी तो ने माँ की ना बनू लुगाई मेरी ना ओड़ बड़ी जाती मेरे इसे भगत पे दोष लगावे ना लाज शर्म आदि उठ क्यों करे बड़ी मेरी जिस बात का डर था आज तूने महल में वो ही बात करके दिखा दी महाराज मैंने नहीं कराया तेरे छोरे ने करवाया सारा काम अगर तू सच भी बोल रही है तो तेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाएगा मैं तेरे सर की कसम खा रही हूँ मैं कभी सच बोल रही हूँ तू तो चाह वह महाराज का पत्ता कट जाए ना सीधी सी बात है लास्ट एंड फाइनल कि मैं तेरी जो ये सरगुंदी है मेरे सर में सारी कार्ड का भगाऊंगी बगा दे कोई बात नहीं सुन मेरी बात सुना दे हाँ। श्री लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाले रहट जा काले मुंह की नाग मेरी नजरों से दूर हो जा धक्का मारने में भी इतना हंगा लगे है एक धक्का कलडा सा लाग जाता ना तो नीचे पड़ जाती और फिर सुन हाँ। नीचाड़े है तरह ठा ले जाते जने पल्लेदार बोरिया ने ठाके ले जाए करे ये तेरे तो बढ़िया हैं ये कम से कम संभाल तो लेंगे मने रहट जा तू संभालन की कह रही है हाँ। ये संभालेंगे नहीं एक मिनट में तेरी साइकिल से तोड़ देंगे समझ गई वो तो टाइम बतावेगा रहट जा काले मुंह की नाग तेरे इस पूरण मल ने आग रहट जा काले मुंह की नाग रे इस पूरण मल ने आग बाण दी रे